अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कोरोना वायरस ने दुनिया के 250 से ज्यादा देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत, पाकिस्तान, चीन, इटली और अमेरिका में ये खतरनाक वायरस कोहराम मचा रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 14,378 हो चुकी है। वहीं कोरोना की चपेट में आकर अब तक 480 लोग मारे जा चुके हैं। बात करते हैं यूपी के बागपत जिले की, जो अब कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बागपत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जमात से जुड़े हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने जनपद से लगी सभी सीमाओं को सील कर दिया है और बागपत का दौरा किया और लोगों से भी अपील की कि वे सारे लोग घर में ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही बागपत प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की सैनिटाइजेशन भी कराई। फिलहाल बागपत में 4 गांवों को हॉटस्पॉट माना गया है और पुलिस को भी इन 4 गांवों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अब जिला प्रशासन ने जनपद भर से 280 लोगों को होम क्वारंटीन कर लिया है और लोगों के लिए उनके खाने पीने की वस्तुओं को उनके घर तक भेजने की व्यवस्था भी की है। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या बता रहे हैं बागपत के SP प्रताप भूपेंद्र यादव और DM शकुंतला गौतम। देखिए, जैसे आपको पता होगा, दूसरे चरण में जो अभी कोरोना की हमारी लड़ाई चल रही है पूरे वैश्विक स्तर पे या पूरे देश के स्तर पे, उसमें दूसरे चरण में ये निर्णय लिया गया शासन के स्तर पर कि जहाँ से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं उनको क्लस्टर बनाया जाए, उनको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाए और लॉकडाउन की जो प्रक्रिया पूरे देश में पहले से प्रचलित है उसको और ज़्यादा मजबूती से वहाँ पर लागू करवाया जाए, जिससे कि किसी कांटेक्ट के माध्यम से वो संक्रमण प्रसारित ना हो, आगे ना बढ़े। उसको देखते हुए हमारे यहाँ 4 गांव भी ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने सील की श्रेणी में रखा है। इसमें एक असारा है, रटौल है, ओसिका है और तीसरा चौथा गांव जहाँ हम लोग खड़े हैं फल असरफाबाद। तो बाकी जो 3 गांव हैं वहाँ से 4-4 व्यक्ति मिले हैं कोरोना पॉजिटिव और यहाँ थल असरफाबाद से 1 व्यक्ति मिले हैं, लेकिन उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो प्रक्रिया लगातार हमारे यहाँ चल रही है। इन सारे गांवों के जितनी भी सीमाएं हैं, सरहदें जो अन्य गांवों से लगती हैं, उनको हम लोगों ने सील किया है। वहाँ पे बैरियर लगाए हैं प्रॉपर और डे नाइट ड्यूटियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं, लगातार लोग लगे हुए हैं। साथ में जो हमारी टीमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं या ट्रेवल हिस्ट्री कंपाइल कर रही हैं, जिसमें कि हमारी मेडिकल की भी टीम है और साथ में हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने आदमी डिप्लॉय कर रखे हैं जिससे किसी तरीके की अनटूवर्ड घटना ना हो। हर गाँव से 15 जो है रटौल से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ओसिका में 11 लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क में आए हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। आपके थल सरफाबाद में अभी आप देखें कि हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, CMO सहित हम लोग पूरे टीम आए हुए हैं। तो यहाँ 8 लोगों को जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया जा रहा है और यहाँ पर 36 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। थल सरफाबाद में असारा में 21 लोग जो हैं वो डायरेक्ट जमातियों के कॉन्टैक्ट में आए थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है और 202 लोग जो हैं उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। ओसका में 73 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 11 को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। इसी तरह 25 लोगों को रटौल में होम क्वारंटाइन किया गया है और 15 लोगों को उसमें जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। तो हमारे लिए 4 हॉटस्पॉट हैं, ये हमारे लिए संवेदनशील स्थल हैं, इसलिए इनमें लॉकडाउन की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से गांव के आसपास को, गांव के रास्तों को और बीच में इनको सील कर दिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।